अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अरफा जुलेखा किचन से। चलिए आज हम बनाते हैं खट्टी मीठी दाल। वैसे इसे गुजराती दाल भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने तुअर की दाल, अरहर की दाल आधा कप ली है, ये मैं डाल रही हूँ कुकर के अंदर। यहाँ पर ये मैंने धो ली दो तीन पानी से। इसके अंदर डाल दीजिए 2 कप पानी। मैं तकरीबन 2.5 डाल रही हूँ, आप 2 भी डाल सकते हैं। 1/4 छोटा चाय का चम्मच ये डाल दीजिए हल्दी और इसे ढक दीजिए और सीटी होने दीजिए। 1 से 2 सीटी हो जाए तो इसे स्लो आंच पर तकरीबन 10 मिनट के लिए रहने दीजिए। 10 मिनट हो जाती है स्लो आंच पर, फिर बंद कर दीजिएगा। 1-2 सीटी पहले फास्ट आंच पर खिला लीजिए, फिर स्लो कीजिएगा। यहाँ पर मैंने दाल चावल के साथ नॉन वेज भी बनाया है, नॉन वेज फ्राई करूंगी। तो नॉन वेज के अंदर मैं बना रही हूँ चिकन तंदूरी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने मैरिनेट है ना कल रात को ही कर लिया, कल रात को नहीं सुबह में किया था। तो एक दिन रहा ना, तो पूरा एक दिन रहेगा तो मसाला अंदर तक जाएगा। वैसे मैं आपको इसकी रेसिपी नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड कर रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। या फिर आप टाइप करेंगे चिकन तंदूरी बाय जुलेखास किचन, वो आप यूट्यूब चैनल पर टाइप करेंगे तो मेरी रेसिपी आपको मिल जाएगी। यहाँ मैं जीरा राइस बघारे हुए चावल बना लेती हूँ सो दैट जल्दी से ये भी साइड बाय साइड पक जाएंगे। मैं इसे ना पीछे शिफ्ट कर देती हूँ सो दैट, और यहाँ पर मैं चिकन को फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि मैं हमेशा अवन में नहीं बनाती हूँ, मैं डायरेक्टली पैन में ही बनाती हूँ और ग्रिलिंग स्पॉट्स यहीं पर ही देती हूँ। पूरी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर फटाफट इसको फ्राई कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दाल हो चुकी है, इसका चूल्हा बंद कर दिया। यहाँ पर ये चिकन हो रही है मजेदार सी गर्मा गर्म, इसका ये स्लो पर है। और चावल हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं मेरे जीरा बघारे हुए चावल हो चुके हैं। अभी मैं ये मेरे पास सॉल्टेड पीनट्स हैं तो मैंने सोचा लगे हाथ सिंह की चटनी बना लूं, ये वाली दाल के साथ बड़ी अच्छी लगती है। वैसे आप चाहें तो इसमें सिंह डालना डाल सकते हैं, जो आती है ना सिंह, कच्ची सिंह भी डाल सकते हैं, भून के डाल सकते हैं उसे। ये वाली सिंह आप डाल सकते हैं डायरेक्टली उसके अंदर, लेकिन मैं नहीं डाल रही क्योंकि ये सिंह का मैं चटनी बनाती हूँ, उसका रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और अगर आपको ना मिले तो सिंह की चटनी बाय जुलेखास किचन यूट्यूब चैनल पर लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी। मैं क्विकली ये बना लेती हूँ, मेरे पास तो पैकेट रखा होता है, मैं उसी से बना लेती हूँ। अगर आपके पास भुनी हुई सिंह ना हो तो आप कुछ नहीं, नॉर्मल सिंह लीजिए कच्ची वाली और उसे तवे पे भून लीजिए स्लो आंच पर, तो भून जाएगी। जब भून जाएगी तो उसके छिलके निकाल दीजिएगा और आगे प्रोसीड कीजिएगा। चलिए मैं क्विकली इसे बना लेती हूँ। चलिए यहाँ पर मेरी सिंह की चटनी बढ़िया सी बन चुकी है और अब मैं इसे प्याले में निकाल लेती हूँ। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बन चुकी है सिंह की चटनी, इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। कुकर ठंडा हो चुका है तो मैं इसका ढक्कन खोल लेती हूँ। आप चाहें तो झेर, ना चाहें तो झेर लीजिए, मैं झेरती नहीं हूँ। अच्छा मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स कर लीजिएगा ना, उसके बाद चूल्हा चालू कर दीजिए और इसमें तकरीबन पानी डाल दीजिए, तकरीबन 3/4 कप जितना, और मिक्स कीजिए और इसमें एक उबाल आने दीजिए। उसके ही दरमियान में डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, 1/2 इंच अदरक मैंने इसे लंबा लंबा काट लिया है, इसे भी डाल दीजिए बारीक कटा हुआ। अच्छा 3-4 हरी मिर्चियों को ऐसी लंबी लंबी मैंने काट लिया है, पतला पतला ऐसा डाल दें हरी मिर्चियों को या फिर बारीक कटा हुआ डाल दें। अब इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून भरकर नींबू का रस और 1 टेबलस्पून गुड़। अच्छा आप चाहें तो गुड़ के बजाय, गुड़ ना हो तो शक्कर भी डाल सकते हैं। हाँ अब ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें फास्ट आंच पर एक उबाल आ जाने दीजिए।
हल्का उबाल आ जाता है तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच, खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए और इसे ढक दीजिए। इसके जो गैस्केट है ना वो निकाल कर ढाकिएगा, हाँ कुकर का अगर ढक्कन लगा रहे हैं तो। मिक्स कर लीजिए और इसे तकरीबन 3-4 मिनट तक पकने दीजिए स्लो आंच पर, या तब तक पकाएं जब तक जो हमने गुड़ या शक्कर डाला है वो पूरी तरीके से पिघल नहीं जाता तब तक। चलिए 3-4 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं गुड़ पिघल चुका है और दाल भी अच्छी खासी पक चुकी है। मैं उसको नीचे रख देती हूँ कुकर को और यहाँ वाटी रख देती हूँ गरम पे फास्ट आंच पर। उसमें डाल दीजिए 3 टेबलस्पून भरकर तेल, जब तेल अच्छा गर्म हो जाता है फास्ट आंच पर तो उसमें डाल दीजिए 1/4 टीस्पून साबुत राय और 1/4 टीस्पून जीरा। मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ 1/4 से ज़्यादा, और उसे मीडियम आंच पर थोड़ा सा तड़तड़ा जाने दीजिए ये दोनों चीज़ों को। जब हल्का तड़तड़ा जाता है तो ये जो हमारी दाल है इसमें ये बघार डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। बघार करी हुई वाटी में भी मैं थोड़ा सा ये जो दाल है वो डाल कर थोड़ा सा चला कर डाल देती हूँ। अच्छा अब चूल्हे को कर दीजिए मीडियम या फास्ट आंच और एक उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाता है चख लीजिए, नमक कम लगे तो नमक डाल दीजिए, खट्टा या मीठा कम लगे तो वो अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए। मुझे परफेक्ट लग रही है, एक उबाल आ गया, मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। चलिए नमाज पढ़ लिया माशाल्लाह मैंने और अब खाना निकालने का समय आ गया है, तो अब गरम थोड़ा मैंने कर लिया दाल को और प्याली में निकाल लेती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। मैं मेरी दाल भर लेती हूँ प्याली के अंदर, खूब सारी बारीक कटी हुई फ्रेशली कोथमीर डाल देती हूँ और इसे ढक कर साइड पर रख देती हूँ। अच्छा अब लास्टली मैं जो चिकन ग्रिल करनी थी वो कर लेती हूँ। तो चलिए अब गर्मा गर्म मैं इसे ग्रिल कर रही हूँ मेरी चिकन को, मतलब चिकन की टांग को। और ये देखिए बढ़िया सी बन चुकी है, ग्रिलिंग मार्क्स आ चुके हैं। इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और चलिए गर्मा गर्म मेरी टांग भी रेडी है सर्व होने के लिए। ये लग गया मेरा टेबल, आप लोग सब आए हमारे साथ खाना खाने के लिए, हम अभी खाने वाले हैं। चलिए हमारे साथ बिस्मिल्लाह कीजिए। और ये है चिकन तंदूरी। वैसे मैंने आज रेड फूड कलर नहीं डाला है, यूजुअली मैं सिर्फ रेसिपीज जब बना के आप लोगों को दिखाती हूँ तभी ही डालती हूँ, रेगुलर डेज में मैं फूड कलर नहीं डालती हूँ तो आपको इतनी वाइब्रेंट रेड नहीं दिखेगी ये चिकन तंदूरी। बट मज़ेदार है खाने में और उसके बराबर में है लच्छेदार प्याज, बहुत ही मज़ेदार लगती है ये भी खाने में। और इसके बराबर में है ये रही हमारी खट्टी मीठी दाल, गुजराती दाल जिसे हम कहते हैं। ये वैसे मैंने क्विक बनाई है, आपको एक और वर्जन मैंने बनाई है टमाटर वगैरह दाल की जिसमें मैंने पीनट्स वगैरह भी डाले हैं मूंगफली के दाने दाल के अंदर ही, तो वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देती हूँ। और ये है सिंह की चटनी, ये भी बहुत ही बढ़िया लगती है ये वाली खट्टी मीठी दाल के साथ, इसका जोड़ बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। और चावल तो आपको पता ही है जीरे वाले। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।